बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि मिगलानी, आपकी लाइफ डिजाइनर। आज हम बात करेंगे कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या और भी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो इन प्रॉब्लम्स पर कैसे विजय पाएं, कैसे विक्टोरियस हो, ऐसा क्या करें इस विजयदशमी की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं और लाइफ में खुशियां ही खुशियां हों। अगर आप भी वो स्पेशल रेमेडी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। दशहरा एक स्पेशल डे इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस दिन बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की जीत, यानी कि इस दिन अगर आप पूरे फेथ के साथ इस रेमेडी को करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का अंत रावण के अंत के साथ साथ हो सकता है और आपकी लाइफ में खुशियां आ सकती हैं। इस दशहरा इस स्पेशल रेमेडी को आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का अंत हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके इंटेंशंस ठीक हों। अगर आप गलत इंटेंशंस के साथ किसी के नुकसान के लिए ये रेमेडी करेंगे तो इस रेमेडी का रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो लेट्स सी ये रेमेडी क्या है। इस रेमेडी को आपने दो पार्ट्स में करना है। पहले पार्ट में आपने इस रेमेडी में दोपहर में इस रेमेडी को आपने दोपहर में करना है या सूर्य अस्त से पहले करना है। तो इसमें आप चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, कोई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी लाइफ में कोई फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, कोई काम आपका बनता नहीं है, आपकी लाइफ में रुकावटें आती हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, प्रोग्रेस नहीं कर रहे, कोई ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है, किसी ने आपका काम बांधा हुआ है, किसी भी टाइप की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप इस रेमेडी को दो पार्ट्स में मेरे बताए हुए हिसाब से करेंगे तो आपकी इस विजयदशमी के बाद आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का अंत हो सकता है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सूर्य अस्त से पहले आपने एक वाइट पेपर लेना है। इस वाइट पेपर पर जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सपोज़ आप किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं, तो आप उस वाइट पेपर पर लिखिए कि मैं अपनी बीमारी से बहुत परेशान हूँ। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ते नहीं हैं, आप उस पर पेपर पर लिखिए मेरे बच्चे पढ़ाई ठीक से करते नहीं हैं, उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, उन्हें कुछ याद नहीं होता, वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को आपने उस पेपर पर लिखना है। उस पेपर पर लिखने के बाद वो पेपर आपने रावण के पुतले के पास लेकर जाना है और रावण के पुतले के अंदर फोल्ड कर डाल देना है। उसके बाद रावण के पुतले के आसपास आपने 11 बार परिक्रमा करते हुए रावण से विनती करनी है कि हे रावण, जो आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने ज़्यादा विद्वान हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को हर लीजिए, आपके अंत के साथ साथ हमारी सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो और हमारी लाइफ में खुशियां हो। ऐसा करने के बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। सेकंड पार्ट जो आपने अपनी रेमेडी का करना है, सेकंड पार्ट में आपने रावण के जलने के बाद दोबारा रावण के पास जाना है और कुछ जली हुई लकड़ियाँ जो कि अस्थियों के रूप में मानी जाती हैं, रावण की अस्थियों के रूप में से कनेक्टेड होती हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं उनको, तो वो अस्थियां आपने अपने घर में लेकर आनी हैं। पर उन लकड़ियों को आपने घर में लाकर 10वें दिन उन अस्थियों को आपने उनको विसर्जन करना है। आपने उन लकड़ियों को जैसे अस्थि विसर्जन करते हैं उसी तरह से बहते पानी में 10वें दिन उनको विसर्जन करना है और प्रे करना है कि जैसे जैसे वो पानी आपसे दूर जाए वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएं। आपके अगर जली हुई लकड़ियों को आप पानी में बहाना आपके लिए पॉसिबल ना हो तो आप 10वें दिन उन जली हुई लकड़ियों को पीपल के पेड़ पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से पीपल का पेड़ आपकी सारी नेगेटिविटी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हर लेगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो ये छोटी सी रेमेडी है पर इसका रिज़ल्ट बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। कोई भी अगर लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम है तो आप इस विजयदशमी, इस दशहरा ये रेमेडी ज़रूर कीजिए और देखिए आपकी लाइफ की कैसे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। सो इन द एंड हैप्पी दशहरा एवरी वन, एंड आई वुड से कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस दशहरा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएँ।
पूरे फेथ के साथ ये रेमेडी कीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ आती हैं। थैंक यू।